बल्कि आने वाली कई जनरेशन के जीवन को सफल बना पाए। मेरा नाम आत्माराम है, मैं राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं ये था साहब, मैं दूध बेचता था, गांव में रहता था, मेरी एजुकेशन 9th पास है, मेरे पापा खेती करते थे, मुझे भी बचपन में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। मैंने नौकरी की है, झोला छाप नौकरी मैंने की है, मैंने दूध बेचा है, मैंने खेती की है, मैंने दवाइयां बेची है, मैंने सब्जियां बेची है, जितने काम पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे आदमी कर सकता है ना, वो सारे काम मैंने किए साहब। लेकिन उन कामों से जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं आया, मेरा जीवन बड़ा टफ था, मेरा जीवन बड़ा मुश्किल था। मेरे एक दोस्त ने मेरे को धक्के से एक दिन बुलाया और बुला के आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया। मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, जिन सवालों की वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया। पहला सवाल उसने मेरे से पूछा कि आत्माराम जी क्या आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा कौन आदमी होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता। पहला सवाल उसने पूछा कि क्या आत्माराम जी आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा कौन आदमी होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता, इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है। दूसरा सवाल उसने पूछा आपके पास अमीर बनने की कोई योजना है? मैंने कहा यार योजना तो नहीं है मेरे पास में। तो उसने कहा मेरे पास एक योजना है, क्या सुनना चाहोगे? और मैंने उसको बोला भी हाँ बता, अगर योजना है तो सुनने में क्या बुराई है। और उसने मुझे वो योजना बताई। उसने कहा देखिए, इस दुनिया के अंदर अगर आपको अमीर बनना है, इस दुनिया में अगर आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले आपको राय उस आदमी से लेनी होगी जो अमीर है। देखिए एक बहुत अच्छी बात, अभी मैं 25 तारीख को मुंबई में था, मेरा प्रोग्राम था, 400-500 लोग थे, आप में से भी कोई साथी शायद रहे होंगे। मैंने वहां एक सवाल पूछा था, मैंने कहा आप बीमार हो जाओ और आपको स्वस्थ होना है तो आप क्या करोगे? बोले साहब डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप बीमार हो और आपको स्वस्थ होना है तो आप क्या करोगे? बोले साहब डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी, बोला भाई ये दवाई खानी है, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, ये एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है, ये सिरप है, ये पीना है, और ये रात को एक थोड़ा सा गार्गल है, इसकी गरारे करके सोना है। अब आप बोलो नहीं 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 यार, मेरे को ना गोली खानी है, ना गरारा करना है, ना सिरप पीना है, ना कुछ और करना है, तो क्या आप स्वस्थ हो गए? लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है अगर हम वो नहीं लेंगे तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? ओके, अब डॉक्टर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपने दवाई ली, आप स्वस्थ हो गए। अचानक एक दिन आप जा रहे थे और किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, कोई कार का आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका झगड़ा होने के बाद में आपके ऊपर उसने मुकदमा कर दिया। अब आपके पास दो चॉइस, पहली है कि आप उसके मुकदमे के लिए पुलिस में जाएं, पुलिस के बाद कोर्ट में जाएं और कोर्ट के बाद में सजा ले लें। दूसरा तरीका है कि आपको अगर मुकदमे से निपटना है कि भाई केस जीतने की कोशिश करना है, केस हारना नहीं है, जीतना है, और मान लो जीतो हारो वो बात की बात है, पहले उसको कोर्ट में जाए तो कोई लड़ने के लिए तो होना चाहिए था, तो आप क्या करोगे साहब? तो बोले साहब एक बढ़िया वकील के पास जाएंगे। बढ़िया वकील के पास जाओगे, मुकदमा हो गया, जीतना है, बढ़िया वकील के पास जाओगे। अब दोस्त बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन वो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो आपका दोस्त है और वो बहुत बढ़िया है, क्या आप उसके पास जाओगे सलाह लेने? बोले नहीं जाएंगे साहब। किसके पास जाओगे सलाह लेने? बोले वकील के पास जाएंगे, क्योंकि मुकदमे को निपटाता वकील है, बीमारी को डॉक्टर निपटाता है, मुकदमों को वकील निपटाता है, अकाउंटिंग का कोई काम हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट निपटाता। मैंने कहा ओके। तीसरा सवाल आपसे भी यही 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, बीमार हो गए और स्वस्थ होना चाहते हो, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो कहेगा वो दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे, यस और नो, हो जाएंगे। दूसरा सवाल, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, आपको उसको केस को निपटाना है, आप क्या करोगे? वकील के पास जाओगे, वकील जो बोलेगा वो कोर्ट में जाके बोलोगे तब केस निपटेगा, ना कि वो बोलोगे जो आपको अच्छा लगता है तो केस निपटेगा। तो मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा और यही मैंने सवाल पूछा मुंबई में मीटिंग में। मैंने कहा तीसरा सवाल, मेरे दोस्त ने कहा आप गरीब हो और अमीर बनना चाहते हो, गरीब हो और अमीर बनना चाहते हो, किससे सलाह लोगे? गरीब हो और आपको अमीर बनना है, सलाह किससे लोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं अमीर से। गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो, सलाह किससे लोगे? ज्यादातर लोग बोलते हैं अमीर से, और बात भी सही है। बीमार होने का इलाज डॉक्टर के पास है, बीमारी को ठीक करने का इलाज डॉक्टर के पास है, मुकदमे से निपटना वकील का काम है, और गरीब को अमीर बनाना अमीर का काम है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन अमीर है जो आपको अपने सीक्रेट बताएगा? 420 पार्टिसिपेंट, सुबह सुबह नंबर ही बड़ा खतरनाक वाला है, 423, 24, 25, यानी 450 लोग मेरे सामने बैठे,
क्या आप किसी ऐसे अमीर आदमी को, आउट ऑफ आरसीएम अगर बात करें तो, आपकी सोसाइटी में आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो अमीर है और आपको अमीर बनने की शिक्षा दे सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। मैंने बंबई वालों से पूछा, मैंने कहा भाई मेरे को बताओ आपको अमीर बनना है तो सलाह किससे लेनी होगी? बोले अमीर से। अब अमीर एंटीलिया में बैठा है मुकेश अंबानी, जाओ सलाह ले लो। बोले साहब उसके तो 2 किलोमीटर दूर से ही निकालते हैं, 2 किलोमीटर पास में आने फटकने से नहीं जो आने देते। तो मैंने कहा फिर कौन बताएगा? मैंने कहा यही समस्या 18 सितंबर 2002 को मेरे सामने थी, 18 सितंबर 2002 को मेरे सामने थी। मेरे सामने एक शख्स बैठा है और वो मेरे से ये सवाल पूछ रहा है, बीमार हो किससे इलाज करोगे? डॉक्टर से। मुक्त हो गया किसके पास जाओगे? वकील के पास। गरीब हो किसके पास जाओगे? अमीर होने तो अमीर के पास। बोले जाओ। कहां जाऊं मैं तो गरीब के पास जा रहा हूं। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। भक्तों की करोगे तो भक्त बन जाओगे, भक्त संतों की करोगे तो संत बन जाओगे, भक्त योगी की करोगे, योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, योगी जो अभी आपके सर यहां पे आपको योगा करवा रहे थे, अगर संगत इनकी करोगे तो इनके जैसे बन जाओगे, और संगत किसी अमीर आदमी की करोगे अमीर बन जाओगे। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, 2 रुपए का 100 रुपए पेट्रोल भर के कमाने वाला आदमी 2 रुपए की चाय पीने रोज 5-star होटल में जाता। लोगों ने बोला बड़ा बेवकूफ आदमी, 25 पैसे में चाय मिलती है, 2 रुपए की पीने जाता है। उन्होंने कहा 25 पैसे वाले में आदमी भी 25 पैसे के मिलते हैं, 2 रुपए वाले में आदमी 2 रुपए के मिलते हैं, मैं आदमी 2 रुपए वाला बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 रुपए की चाय पीने जाता हूँ। वो माहौल अमीरों का मिला, वो अमीर बन गए। हमारी तकलीफ ये है कि हम रहते गरीबों के माहौल। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला आप गरीबों के माहौल में रहकर अमीर बन सकते हो? मैंने कहा तो अमीरों का माहौल कहां से लाऊं? अमीर कोई घुसने थोड़ा ही देता है अपनी सोसाइटी में। बोला एक अमीर है जो आपको अमीर बनने की सलाह देता है, जिसने पूरी दुनिया को मुफ्त में सलाह दी है, पर तकलीफ ये है मुफ्त की सलाह की हिंदुस्तान में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैंने कहा यार बताओ क्या है? बोला दुनिया के जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं, अल्ट्रा रिच मैं 20-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख कमाने वालों की बात नहीं करता, मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ महीना कमाने वाले लोगों से ऊपर की बात कर रहा हूं। जितने भी अल्ट्रा रिच और रिच लोग हैं दुनिया में, वो सभी लोग एक आदमी की सलाह मान के बने हैं, और जितने भी उसकी सलाह को मान रहे हैं वो सब अमीर बनते जा रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो नहीं बनते जा रहे। वो आदमी कौन थे? मिस्टर जे पॉल गेट्स। वो 26 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति बने, फर्स्ट मिलेनियन इन द एज ऑफ 26। 26 साल की उम्र में धरती को पहला बिलेनियर मिला। और जब उनसे इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा किसी पत्रकार ने अगर आपके जैसा कोई और आदमी अमीर बनना चाहे तो आप क्या सलाह दोगे उसको? उन्होंने कहा आज का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी का बता सकता हूँ कि आज बनना चाहे तो क्या हो सकता है, कल बनना हो तो क्या करना होगा, परसों बनना होगा तो क्या करना होगा, इस जन्म में बनना होगा क्या करना होगा, अगले 7 जन्म में बनना होगा तो क्या। और माय डियर फ्रेंड, दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, वो सारे चाहे टीसी सर हो, चाहे बीसी सर हो, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिड़ला हो, चाहे बांगड़ हो, चाहे बजाज हो, चाहे डालमिया हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे जो बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, कोई भी जो भी इंसान इस दुनिया में वेल्थ क्रिएट किया है, वो जे पॉल गेट्स के 4 सिद्धांतों को मान के वेल्थ क्रिएट किया है। नंबर 1, जे पॉल गेट्स ने बोला आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई नौकरी वाला है या बिजनेसमैन है? जो आप बताए नौकरी बिजनेसमैन। ओके, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो आप बताए बिजनेसमैन। आपके स्टेट का सबसे अमीर आदमी कौन है? जवाब आता है बिजनेसमैन। आपके देश का सबसे अमीर आदमी कौन है? जवाब आता है बिजनेसमैन है। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जवाब आता है बिजनेसमैन। तो एक बात का जवाब पक्का मिल जाता है, अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई और काम धंधे की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट नौकरी या दूसरे काम धंधे जो है वो हमारा पेट पलवा सकते हैं, हमारा जीवन चला सकते हैं, हमें सर्वाइव करवा सकते हैं, बट अमीर नहीं बना सकते। अमीर बनना है तो बिजनेस करना।
ये पहला साइन क्लियर किया मेरे दोस्त ने कि आत्माराम जी अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, दूसरा मिस्टर जयपाल के जी ने बोला हुआ है बिजनेस करना होगा तो कौन सा बिजनेस करना, वो बिजनेस जो कोरोना में भी चलता है, मतलब उस समय तो कोरोना नहीं था, अभी कोरोना का एग्जांपल देके आपको कोट कर रहा हूं, कोविड में भी वो जो बिजनेस काम करता है, कौन सा, कोरोना जब कोविड 19 आया तो उसमें क्या चला, कारें बिकना बंद हो गई, हेलीकॉप्टर बिकना बंद हो गए, हवाई जहाज बिकना बंद हो गए, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू मारुति सब बंद हो गई बिकनी, मोटरसाइकिल बिकना बंद हो गए, लेकिन साबुन बिकना बंद नहीं हुआ, शैंपू बिकना बंद नहीं हुआ, चाय बिकना बंद नहीं हुई, हल्दी मिर्च मसाले, यानी बिजनेस एफएमसीजी का वाला था। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मेरा दोस्त बता रहा था, क्योंकि मैं दूध बेच रहा था, मेरा दूध का कारोबार था, मैं बिजनेस कर रहा था, एफएमसीजी था, यानी हमारे बगैर तो सुबह होती नहीं है सर, हम सो जाए तो पूरा देश सोया रह जाए, हम ही तो है जो सुबह को जगाते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं दूध ले लो, चाय पी लो और अपना दिन बना लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, अरे भाई यार बल्ले बल्ले आत्माराम, तू एक सही बिजनेस में, तेरा बिजनेस है, तेरा जो बिजनेस है वो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। दोस्त ने बोला तीसरा फार्मूला, मिस्टर जयपाल गेटी ने बोला हुआ तीसरी बात, अगर आपको अमीर बनना है तो चार चीजें करनी पड़ेगी, पहला बिजनेस करना है, दूसरा बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, तीसरा आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए, आपका बिजनेस सिर्फ श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई क्या करोगे, इनकम खत्म, भूकंप आ गया इनकम खत्म, भुज में भूकंप आया, अरबों खरबों लगा के जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों को सड़क पे आ गए, कश्मीर में बाढ़ आ गई क्या करेगा कोई, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह फैला हुआ होना चाहिए, ताकि कोई एक ऐसी घटनाएं कुछ हो जाए, आपदा हो जाए और हो जाए, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मुंबई में सुनामी आ जाए क्या रिलायंस बंद हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन मुंबई में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस केवल मुंबई में, उनको नुकसान हो सकता है, उनका खत्म हो सकता है, उनका बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बिजनेस आपका बहुआयामी होना चाहिए, और चौथा आपका बिजनेस 97% दूसरों पे, अब तीसरा जो बोला ना तो मैं थोड़ा ऐसा सिकुड़ गया, अरे यार बहुआयामी तो नहीं है, उर्मूल वाले का है, सर्स वाले का है, नेस्ले वाले का है, वर्का वाले का है, लेकिन अपना तो नहीं है यार, अमूल का है, अपना तो नहीं है यार, बहुआयामी तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो गड़बड़ है यार, थोड़ा तो बदलना। चौथा आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए। अब अपनी तो सारी हवा निकल गई सर, जितनी हवा भरी हुई थी कि बिजनेस कर रहा हूं, एफएमसीजी है, ये वो, दुनियादारी, आपको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ नहीं था, सब हवा निकल गई, क्यों, मेरा तो 100% मेरे पे डिपेंड था, 100% मेरे पे डिपेंड था, 100% मेरे पे डिपेंड था, मैं चलूंगा तो धंधा चलेगा, मैं रुकूंगा तो धंधा रुक जाएगा। मिस्टर सचिन अग्रवाल अपने प्लान में एक बात बताते हैं, दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, चार चीजें इंसान के बस में नहीं है सर, एक्सीडेंट होना हमारे बस में नहीं, बीमार होना हमारे बस में नहीं, बुढ़ापा हमारे बस में नहीं है कि रोक देवे, और मौत हमारे वश में नहीं है कि रोक देवे, ये चार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, चार में से एक भी होती है हमारा धंधा खत्म, चार में से एक भी होती है हमारी इनकम प्रभावित होती है। मेरे दोस्त ने बोला ये चार चीजें जिस बिजनेस में, जिस आदमी, जो आदमी ये चार काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में ये तीन चीजें कर रहे हैं, यानी उसका बिजनेस एफएमसीजी का है, उसका बिजनेस बहुआयामी है, और उसका बिजनेस 97% दूसरों पे और 3% खुद पे डिपेंड है, वो आदमी को इस दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोला आपका जो दूध बेचने का बिजनेस है, क्या आपके दूध बेचने के बिजनेस में ये तीनों चीजें हैं? मैंने कहा नहीं, तो बोला फिर आपके बिजनेस में आपको बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैंने कहा क्या करें, क्या करें, अब हमें कौन बताए ये बिजनेस कर लो, ये एफएमसीजी है, ये बहुआयामी है, और ये 97% दूसरे करेंगे, 3% आप करोगे, पैसे आपको 100% मिलेंगे, कौन बताए? बोला मैं बताऊंगा, मेरे पास एक अवसर है, उस अवसर का नाम है आरसीएम बिजनेस, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पहले से 1977 से कपड़े के व्यवसाय में, उसने पूरा प्लान वाला बताया, मैं यहाँ पे समय खराब नहीं करूंगा आपका, क्योंकि 6:30 बजे मुझे प्रोग्राम को खत्म करना,
उसने कहा कि कंपनी है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देगी बिचौलियों का पहला पैसा आएगा, ओके पहला बिजनेस एफएमसीजी का है क्योंकि यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट आ जाएगा। आज आरसे में एफएमसीजी है, बिजनेस है एफएमसीजी है, बहुआयामी है, 15,000 स्टोर है पूरे हिंदुस्तान में। पैसा टीसी छाबड़ा जी का लगा हुआ है, पैसा टीसी छाबड़ा जी का लगा हुआ है, आपका और मेरा नहीं लगा हुआ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर वैसा बिजनेस बनाए जैसा जयपुर गेटी ने बुलाया, वैसा बिजनेस मॉडल बनाए तो हमें कैपिटल चाहिए पहले। जैसे मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस को खड़ा किया तो 2.5 लाख करोड़ लगाना पड़ा पहले, तो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल नहीं है। तो टीसी सर ने वो कैपिटल हमारे लिए लगा दी, 15,000 स्टोर और उसमें 400-500 प्रोडक्ट हमारे लिए रख दिए पूरे इंडिया में, बहुआयामी है। जाइए वहां पे प्लान दिखाइए, उसके पास में एक आदमी ज्वाइन करवाइए, वो आदमी साबुन से नहाएगा, आपके घर पैसा आएगा, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, भारत पूरा तबाह होगा नहीं। और जब तक भारत तबाह होगा नहीं, आपके बिजनेस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भारत तबाह हो जाए और फिर आपका बिजनेस भी तबाह हो जाए तो फिर भाई साहब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम 15,000 स्टोर है, आपका बिजनेस हो गया, हम आरसीएम बना देते हैं, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए और 15,000 स्टोर का फायदा लीजिए। चौथा, आपका बिजनेस 97% आप पे डिपेंड हो, तीन आप पे डिपेंड हो, 97 लोगों पे हो, इसका क्या करें। मैंने कहा यह लफड़ा तो इधर है, मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा। बोला करेंगे, आप इस बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, लोगों को दो। इस बिजनेस में एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री है, यानी इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है, इसलिए 90% लोग इसको एज ए लॉटरी करेंगे। टेंशन मत लेना, प्लान दिखाओगे ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि मजाक और उड़ाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे काम नहीं करेंगे बल्कि गालियां और देंगे। बोला अरे फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। टेंशन मत लेना, क्योंकि दुनिया में हर धंधे में यही होता है, हर धंधे में यही होता है, 98% चलता है, 98% लोगों का पैसा 2% लोग कमाते हैं पूरी दुनिया में। और हर प्रोफेशन का ही है, डॉक्टरों में ले लो, वकीलों में ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट में ले लो, इंजीनियर में ले लो, कहीं भी ले लो। उसने कहा ये होएगा, मैंने कहा ओके। अब उसने कहा आज आप अकेले हो, आप 100-200 लोगों को लिस्ट बनाओगे, उन 100-200 लोगों को प्लान दिखाओगे, मान लेते हैं आपके साथ 20 लोग ज्वाइन कर। अब 20 लोगों ने ज्वाइन किया, वो 20 लोग 1,000 पीवी का सामान लाए, आप भी 1,000 पीवी का सामान लाए, कितना हुआ। मैंने कहा 21,000। बोला आपका टर्नओवर 21,000 हुआ, आपने किया 1,000, 20,000 उन लोगों ने किया, बताइए कल आप ना करो तो क्या वो लोग नहीं करेंगे, ना करेंगे। तो बोला इसका मतलब आपका धंधा उन पे डिपेंड है या खुद पे डिपेंड है। मैंने कहा उन पे डिपेंड है, लेकिन अगर वो नहीं करे तो। उसने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट सबको चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सबको चाहिए, 2.5 लाख करोड़ का सालाना नकली बिकता है हिंदुस्तान में, उनको 100% प्रोडक्ट मिल चाहिए, इनकम उनको चाहिए, पैसा उनको चाहिए, बचत उनको चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, करेंगे ना। मैंने कहा यार फिर तो करेंगे। तो बोला करेंगे तो आपका धंधा होगा। दो शॉर्ट में करना चाहता हूं, 17 साल पहले मेरे दोस्त ने ये बात मेरे को बताई थी, 17-18 साल हो गए, 2020 होने वाले हैं, अभी तो सितंबर आ गया तो 20 होने वाले हैं, ओके 20 साल पहले ये बात बताई थी। ज्वाइन किया था, 6 महीने काम नहीं कर पाया था, उसके बाद शुरू किया, आज 3 लाख लोगों की पूरे इंडिया में टीम है, 90% कोई काम नहीं करते, 90% कोई काम नहीं करते, और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है कि भैया काम करो तुम लोग, वो कोई काम नहीं करते और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। केवल 10% लोग काम करते हैं, 10% लोग अभी सुबह उठेंगे, एक शैम्पू पाउच भी यूज करेंगे ना साहब, तो 30,000 रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। आत्मराम तो आपसे बात कर रहा है, एक शैम्पू पाउच यूज किया आत्मराम ने तो 1 रुपए का, वो एक एक करेंगे, मेरा 30,000 का धंधा हो जाएगा। उसके बाद वो चाय पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मेरा 2-2.5 करोड़ का धंधा हो जाएगा पूरे महीने का। अब आज मैं अगर इस महीने 10,000 भी ना करूं ना, तिलोक जी मुझे सस्पेंड करेंगे, ना मेरे अपलाइन इंदिराज सर और राजराम जी मुझे सस्पेंड करेंगे, ना मेरी कोई इनकम रोकेगा, ना कुछ और रोकेगा। हाँ 1500 बीवी से कम करूंगा तो रोक लेंगे, लेकिन उसके ज्यादा करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन ये 97% इनकी वजह से होगा। आज मैं बीमार हो जाऊं नहीं जाऊं तो क्या ये लोग शैम्पू से नहाना बंद कर देंगे, क्या ये लोग चाय पीना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे तो मेरे को तो पैसे आएंगे ना यार। मुकेश अंबानी जियो चलाते हैं, 2.5 लाख करोड़ लगाए, 12 साल लगाए, 12 साल बाद 2.5 लाख करोड़ से रिटर्न मिलता है 100 करोड़ रुपए महीना,
100 करोड़ महीने का मिलता है, 12 साल 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की अर्निंग अभी उनको हो रही है, अभी उनको 100 करोड़ महीने की अर्निंग हो रही है, उनको 100 करोड़ महीने की अर्निंग हो रही है। उनका बिजनेस कौन चलाता है? जियो के एम्प्लॉई और जियो के जो सिम को बेचने वाले जो सेलर है वो चलाते हैं। अंबानी जी यहाँ रहे, इंडिया में रहे, इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, बर्मिंगम में रहे, कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका बिजनेस उनके 97% लोग चलाते। आत्माराम भी छोटा अंबानी है और आप सब भी वही हो। आत्माराम छोटा अंबानी है, 2.5 लाख करोड़ था नहीं, इसके पास तो 2,500 भी नहीं था, इतनी फटी हुई थी कि इससे ज्यादा फट नहीं सकती, इतनी हालत खराब थी इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकती, 2,500 भी नहीं था। ज्वाइन करने के लिए भी 1503 दोस्तों से झूठ बोल के उधार आया, सच बोलने पर तो देते नहीं थे, पहले दे रखे थे लाखों। आत्माराम के पास कुछ नहीं था, आत्माराम ने मुकेश अंबानी का नकल मारा, उसके पास 2.5 लाख करोड़ था, अमीर बनना है, जयपुर गड्ढी साहब ने बोला अमीर बनना है तो गरीब और अमीर बनना है तो किसी अमीर आदमी की कॉपी करो, मैंने अमीर आदमी का कॉपी किया और वो कॉपी करवाया आरसीएम ने, मेरी कोई औकात नहीं थी साला, मैं तो आरसीएम ने मेरे को वो कॉपी करवाया, बीसी सर ने और मेरे अपलाइनों ने और व्हाट्सएप वगैरह ने सबने मिलके इसको मेरे को एक मॉडल बना के दिया और मैंने इसको कॉपी किया। मैंने इसकी कॉपी की, कॉपी करने का परिणाम ये है, साहब 12 साल मुकेश अंबानी को लगे 2.5 लाख करोड़ लगाने के बाद 100 करोड़ कमाने, मेरे को भी 12 साल लगे, जीरो पैसा लगाकर उसी सिस्टम को फॉलो करके 2 लाख महीना कमाने, जो अंबानी आज कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, जो अंबानी आज कर रहे हैं वही विजय सर कर रहे हैं, जो अंबानी आज कर रहे हैं वही बीसी सर कर रहे हैं, बस हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है इसलिए हमारा रिटर्न छोटा। अरे उन्होंने 2.5 लाख करोड़ लगा के 100 करोड़ कमाए, बात समझ में आती है? राशन की दुकान बदल के कोई 2 लाख कमाए और वो उसी मॉडल से कमाए तो फिर बात समझ में नहीं आती है, अक्कल ठिकाने आ जाती है, तो फिर समझ में नहीं आए तो उसकी किस्मत में ही टेंशन हो जाती है। तो इसलिए 2.5 लाख करोड़ उसने लगाया, हमने दुकान का सामान लाया और आज वही मॉडल उसके पास है, वही मॉडल हमारे पास है, उसका भी बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ेगा। तो इसलिए जिंदगी बहुत तेजी से बदल सकती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिंदगी को बदलना है तो सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे निकलना है। पहले मेरी वो जिंदगी थी, आज मेरी ये जिंदगी है साहब, और मैं लगातार इस बिजनेस को सीखता जा रहा हूं, मैं लगातार इस बिजनेस को करता जा रहा हूं और मेरी जिंदगी में If you want to become rich, find someone who is rich. वही जयपाल गेटी साहब का उदाहरण है. Find someone who is rich and do what he is doing. And one day you will be rich. अगर आपको अमीर बनना है तो उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है और फिर देखो वो क्या कर रहा है और वो तुम करो, एक दिन तुम वो बन जाओ।